दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और इस वीडियो ये वीडियो जो बन रही है वो ऑन डिमांड है। और मेरे पास कमेंट आया था कि हम अपने फ़ोन से टीवी में एप्लीकेशन कैसे सेंड करें। अगर सेंड करते भी हैं सेंड फाइल टू टीवी वाली एप्लीकेशन से, तो वो एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ, कहाँ से हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, और प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, पूरा देखना। मैंने खुद करके दिखाया है, नोकिया स्ट्रीम बॉक्स वाली डिवाइस को टीवी में लगा के उसे एंड्रॉयड टीवी बनाया है, और फिर अपने फ़ोन से सेंड करके दिखाई है एप्लीकेशन, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, और सेंड करके उसे इंस्टॉल करके दिखाया। पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस देखना, और अगर पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी करना, अपने पास तक सिर्फ मत रखना, सब्सक्राइब कर देना चाहो तो, ताकि अपनी आपकी मर्जी है। तो वर्टिकल फॉर्म में आएगा, तो ध्यान से देखना। अगर छोटा छोटा दिखाई देता है जूम करके देख लेना, या फिर ऐसे पिंच आउट करके, या बड़ी स्क्रीन पे देख लेना, लेकिन देखना और समझना, और फिर उसी प्रोसेस को अपनाना। मिलते हैं फोन की स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसपे आपको बताऊंगा कि अपने फ़ोन से टीवी में किस तरीके से एप्लीकेशन सेंड करते हैं। तो ये आपके टीवी में होना चाहिए, एप्लीकेशन सेंड फाइल टू टीवी नाम से। उसके बाद यही एप्लीकेशन आपके फ़ोन में भी होना चाहिए। तो मैं भी अभी दिखाऊँगा फ़ोन में ओपन करके, और कैसे सेंड करें ये भी दिखाऊँगा। तो स्क्रीन ये चल रही है इस समय, तो अभी मैं फ़ोन की स्क्रीन में यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी ओपन है। मैं टीवी में ओपन कर लेता हूँ पहले इस एप्लीकेशन को। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आगे बढ़ाते हैं इसे। डन। अब मुझे यहाँ पे रिसीव ओके करना पड़ेगा। अपने फ़ोन में ओपन करता हूँ मैं, सेम यही प्रोसेस आगे बढ़ाऊँगा, और अपने फ़ोन में करूँगा सेंड। सेंड वाला मैंने ऑप्शन कर दिया, यहाँ से मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से न देकर मैं सीधे अपने उसमें जाऊँगा जहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टोर है, जो कि है सुपर बैकअप। मैं यहाँ से सीधे मैं डायरेक्ट होल्ड करके शेयर कर सकता हूँ। तो एप्लीकेशन मेरे पास कई सारी हैं जो मुझे भेजनी है, तो बैकअप में जाता हूँ। यहाँ पर एक मुझे भेजना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे भेजनी है। ES फाइल एक्सप्लोरर भेजूँगा मैं यहाँ से, और यहाँ से भेजूँगा मैं ऑरियो टीवी, जिसका लेटेस्ट वर्जन जो होगा वो डालूँगा। अभी फ़िलहाल यही लेटेस्ट है, इसी को भेजूँगा। और एक थोप टीवी, जिसका भी लेटेस्ट वर्जन डालूँगा। तो फ़िलहाल ये तीन चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा। तीनों सिलेक्ट तो कर लिए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ एक एक करके भेजूँ पहले, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ पहले, और ये एप्लीकेशन चुनता हूँ। डिवाइस का नेम आ रहा है, क्लिक करते ही ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। देखो आप, इस पर बैक जाता हूँ, दूसरी एप्लीकेशन सिलेक्ट करता हूँ, इसे होल्ड कर रखूँगा, शेयर करूँगा। तो यही आसान तरीका है, इसे शेयर हो जाएगा। फिर से क्लिक करूँगा, ये वाली भी जाने लगी, पहुंच जाना तो इसे भी। एक और थोप टीवी और इसे भी भेजते हैं, सेम प्रोसेस, और ये भी स्टार्ट हो गई। अब लोग कहते हैं यहाँ से भेजने के बाद मिलेगी कहाँ, वो ढूंढते हैं। उसके लिए FX प्लेयर होना चाहिए टीवी में आपके, तो उसके डाउनलोड ऑप्शन में पहुँचेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ तो हो चुका काम, इसमें बैक करते हैं। अब मेरी एप्लीकेशन में सुन जाएंगे, वहाँ पे है FX प्लेयर, ये आपको देख पा रहे होंगे FX। तो यहाँ पे इसे ओपन करेंगे, ओपन करने पास एक्सेप्ट ये करना पड़ेगा, और अलाओ, हो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, वेलकम अभी नहीं आ रहे इसमें, ट्यूटोरियल कैंसिल कर दिया। अब देखो डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इस डाउनलोड में ही मिलेगी, ये तीनों आ गई। अभी एक एक करके क्लिक करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। तो पहले करूँगा थोप टीवी, सेटिंग अलाउ करना पड़ेगा परमिशन को,
अलाउ कर लिया, एमएस प्लेयर को भी अलाउ कर दिया क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़े। तो इसको फिर से करेंगे, सिंपल सा प्रोसेस है इसे इंस्टॉल करने का। तो इंस्टॉल, हो गया। मैं इसे डन करके यहीं ख़त्म कर दूंगा। अब ओरियो इसे भी इंस्टॉल करूंगा। तो सिंपल सा था, एक भाई ने पूछा था कि कहाँ पर दिखाई देगा इसका। डन, ES फाइल एक्सप्लोरर सब लोग ढूंढ रहे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, मेरे पास है, चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा। ये भी इंस्टॉल हो गया। तो कैसी लगी वीडियो, की फाइल को इंस्टॉल कैसे करना है, शेयर कैसे करना है? सो इजी। अब चाहे इस एप्लीकेशन को हटा दो FX प्लेयर को तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास ES फाइल एक्सप्लोर अगर आ गई है तो वही का सब काम कर देगी। हो जा, थोड़ा सा रह गया इंस्टॉलिंग का। हो गया, डन। तो ये सब हो गया मेरा। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलते हैं।